आप सभी को नमस्ते। और मम्मा साबुदाना का पापड़ बनाने वाली हूँ, उसके बेटे का पापड़ तो जरूर देखिएगा। और वो पहले का बनाया है उसे मैं दिखाती हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए देखते हैं साबुदाना पापड़ कैसे बनता है। अब हम स्टार्ट करते हैं साबुदाना पापड़ और टमेटो पापड़। अभी तक वो रखा था मम्मा के लिए एक टमेटो पापड़ और एक साबुदाना पापड़। तो चलिए मम्मा दिखाने जा रही है। तो देखिए ये बहुत सारा बनाई थी, एक रेड वाला एक व्हाइट वाला। तो साबुदाना चिप्स है उसमें देखिए जीरा ला। अभी टमेटो चिप्स है, टमेटो बहुत हेल्दी होता है इसीलिए। और ये भी अच्छा होता है, ये जो आपको दिख रहा है छोटा छोटा, इसके अंदर जीरा अच्छा होता है, हेल्दी होता है, सब बच्चों को खाना चाहिए। चलिए मम्मा इससे स्टार्ट करती है। चलिए दिखाते हैं साबुदाना के पापड़ कैसे बनाते हैं। इसे बनाना बहुत ईजी है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। हम मेरे चैनल जो न्यू है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल भी दबा दीजिए टन टन। और यहाँ पर पहले हमें साबुदाना लेना है, उसको अच्छे से और धो देना है। तो हमने ले लिया ये, अब हम पानी डालेंगे, उसको अच्छे से मिला देंगे, तो अच्छे से धो देंगे। और इसमें पानी है जिसको निकाल, फिर पानी भरेंगे, फिर उसको अच्छे से कर देंगे, फिर उसको पानी डाल देंगे, उसको अच्छे से फ्रेश करने के यही कर, फिर उसमें पानी डाल देंगे, फिर उसको 2 घंटे के लिए रख देंगे। जो मम्मा अभी पीस करके बनाई थी वो वाला वीडियो वो उसका डिलीट हो गया, उसके लिए सॉरी। इसीलिए मम्मा बताती, इसीलिए मैंने बता दिया आप लोगों से कि डिलीट हो गया। तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी कि कैसे बना था। दाना को पेस्ट करके पानी डाल के पका देना है 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद नमक डालना है टेस्ट के अनुसार कि कितना अच्छा बना है। और उसको टेस्ट में धूप में सुखा देना है रेड वाला में। मम्मा नम टमाटर नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा कलर डाली थी फूड कलर। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। सारे पापड़ को भी ऐसे ही बना लेना है। उसके बाद मम्मा डाल रही है धूप में। देखिए 2 दिन में ऐसे सूखने के बाद अच्छे से तैयार हो गया व्हाइट वाला भी। व्हाइट वाला मम्मा नमक डाली से और कुछ नहीं, क्योंकि नमक व्हाइट होता है। और यहाँ पर मम्मा का कढ़ाई चढ़ाएगा, उसमें मम्मा तेल डालेगी। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसको इस रेड वालों को अच्छे से तल लेना है। देखिए कितना बड़ा बड़ा हो रहा है पापड़, बहुत अच्छा पापड़ बना है और बहुत टेस्टी भी लगता है। और बहुत अच्छा से ये बनाया और डिलीट हो गया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मम्मा अगले दिन फिर पापड़ बनाएगी। उस दिन अच्छे से मम्मा बनाएगी, अच्छे से बताएगी। इसी तरीके से डीप फ्राई कर लेना है व्हाइट पापड़ को भी। तो व्हाइट पापड़ हम बनाए गया, व्हाइट पापड़ भी अच्छे से हो गया है और इसको भी हम डाल देंगे। अब बहुत जल्दी बन जाएगा, देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया है। आज के लिए बस इतना ही, तब के लिए बाय बाय और गुड बाय, लव यू। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब के लिए थैंक यू, बहुत सारे प्यार दीजिएगा, मैं आपको भी